पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। इस घर के दुश्मन के आगे मैं कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगी शिव। मर जाऊंगी लेकिन इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। सुरीली, सुरीली स्टॉप। दवाई खा ले। सुरीली के बारे में कुछ सोचा है? उसका क्या करना है? क्या करना मासी? हर मर्ज की दवा होती है मगर सुरीली उसमें कुछ तो बात है। इंटेलिजेंट, इरादे की पक्की। आई स्वेयर अगर वो बारोट फैमिली के बाहर मिलती ना तो। एक दिल की बात बता। बोलो। सिर आंखों पे बैठा था उसे, पर क्या करे, रास्ते का कांटा बन के बैठी है वो। और डोंट वरी मासी, हमारा फोकस सिर्फ एक ही है, बारोट्स, और उनकी बर्बादी इज द प्राइम एजेंडा। ये सुरीली वगैरह तो कोलैटरल डैमेज है। कहते हैं ना, जब हाथी चलता है तो नीचे वो वोडी कॉल दो एंट्स इन हिंदी, चींटियां कुछ ली जाती हैं। आग तो है सुरीली में पर मुझे भी कम ज्वालामुखी नहीं है। उस आग के साथ कैसे खेलना है ये हम खूब जानते हैं। नाजायज होना, आफ्टर ऑल खून तो बारूद का ही है ना मुझमें। आ जाइए। मां, मान सब ठीक तो है? तबीयत कैसी है आपकी? हम बिल्कुल ठीक है मां, बस एक बात बोलने आए थे आपको। कहिए। भाभी गलत नहीं बोल रही है मां? मान हाँ, एक बात हमारी बात सुन तो लीजिए मां, सच में कोई है जो इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। इनफैक्ट जब सुरीली भाभी उस वरमाला बनाने वाले से इंफॉर्मेशन ले रही थी तब हम भी थे उनके साथ। भाभी झूठ नहीं बोल रही है मां, और हमें लगता है कि हम भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए। हमें आपकी बात पर पूरा विश्वास है मान, आप हमारा खून है, पर सुरीली और उसके परिवार के सच से हम बिल्कुल अनजान हैं। जिस वरमाला बनाने वाले की बात कर रहे हैं आप, हुआ होगा उसका अपहरण, लेकिन इसका क्या सबूत है कि साशा ने अपहरण नहीं किया? मां, हमें भाभी पर पूरा यकीन है कि इसमें ना तो उनका ना उनके परिवार का हाथ है। हमने भाभी के आंखों में इस परिवार के लिए शिद्दत देखी, डर देखा है, वही शिद्दत, वही डर जो हम बचपन से आपकी आंखों में देखते आए मां। हेलो मिस्टर खुराना, पहली बार बिजनेस नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी, आई कैन अश्योर यू, बारोट एम्पायर इतना वीक नहीं है। देखिए सिर्फ घुटने मुड़े हैं हमारे, सिर नहीं झुके हैं। शेयर प्राइस क्या गिर गए, इन्वेस्टर्स गला पकड़ने पर उतर आए। सिचुएशन बहुत खराब है। एनीवे, आगे प्लान क्या है? आई कैन सी आपके कॉल्स तो रुक ही नहीं रहे। वही तो समझ में नहीं आ रहा है लेखा, आज तक जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है भाई और मां ने संभाला है। बिल्कुल डफर है, हमने जाने किस मनहूस घड़ी में इनसे शादी करने का डिसीजन लिया था। लेखा,
ये सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, माँ से पूछ कर आते हैं क्या। राघव, ऐसे स्पाइनलेस बनकर रहने से कुछ नहीं होगा, आप किसी की हेल्प नहीं लेंगे। दो दिन की बात हुई थी ना, वक्त है हमारे पास, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। ओके राघव, ये काम का वक्त है, आराम का नहीं। शुभेच्छाओं गौर शिवेंद्र जी। अमिताई, आपको रानी साहिबा ने नीचे बुलाया है, सब आपके इंतजार कर रहे हैं कुलदेवी के मंदिर में जाने के लिए। राजा साहब के जन्मदिन की पूजा है ना आज। क्या हम अंदर आ सकते हैं सुरीली जी? जराज हमने अपने सीने में 20 साल से दबा कर रखा हुआ है, वो आप इतनी जल्दी सबको क्यों बताना चाहते हैं सुरीली जी? हमारी बात मानिए तो आप अपनी हार मान लीजिए, समझदारी इसी में ही है, क्योंकि आपको हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ से चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कब्र खोदने की कोशिश में आपके हाथ जख्मी हो जाए। कब्र खोदती है तो वक्त तो साइन करना ही पड़ता है ना अम्बिदाई, लेकिन आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? मुंह से तो ज्वालामुखी निकल रही है लेकिन आपके एक्सप्रेशंस कुछ और ही कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप डर रही है? हाँ मैं डर रही हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। कितनी बेइज्जती करवा चुकी हो, अब क्या धक्के खाकर इस महल से बाहर जाओगी? हो गया आपका, थैंक यू। बस आपसे इतना ही कहना था। राघवेंद्र की कुछ मदद कर सकते हैं आप? You know what? राघवेंद्र मेरा दोस्त ही नहीं, he's a brother to me. Of course उसकी मदद करूंगा मैं, पर एक बात कहें अगर इजाजत हो तो। राघवेंद्र is really lucky, लॉटरी लग गई है उसकी कि उसे आप जैसी खूबसूरत वाइफ मिली है। वरना आजकल की वाइफ किचन पॉलिटिक्स से उनको छुट्टी नहीं मिलती है, और आप देखिए हमारे पास आई है उनके लिए मदद मांगने। हाँ लेकिन हम प्यार में नहीं हैं, हम प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं। जिसके पास पैसा और पावर दोनों हो, उसके लिए प्यार जैसी चीज कोई मायने नहीं रखती। हम पैलेस में शादी करके इसलिए आए ताकि हमें हमारा अधिकार मिल सके, जो शिवेंद्र हमें नहीं दे सकते थे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जैसा हमने कहा कि हम प्रैक्टिकल हैं, इसीलिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप भी जानते हैं कि शिवेंद्र को आप में और आपके साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर शिवेंद्र को पावर मिल जाए तो कंसिडर योर डील गॉन। समझ लीजिए कि आप और हम दोनों एक ही किश्ती में, तूफान आएगा तो हम दोनों डूब जाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि साथ मिलकर काम करें। आपने मेरे बारे में सोचा, थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करने में मजा बहुत आता है। आई फॉरगॉट समथिंग, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। पसंद आया? ऑफ कोर्स, डायमंड्स जिस लड़की को पसंद ना आए वो लड़की ही नहीं।
आपके लिए. रियली? शादी में इतनी हलचल थी कि मैं कोई गिफ्ट ही नहीं ले पाया. थैंक यू. दिस इज सो स्पेशल. और वैसे भी ये तो सिर्फ एक सिंबल है, वरना आपके कदमों में तो पूरी दुनिया होनी चाहिए. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.